जनपद मैनपुरी के जिला कारागार में दुष्कर्म के मामले में 2015 से उम्र कैद की सजा काट रहे आरोपी मुकेश कुमार को मिर्गी का दौरा पड़ने से उसकी हालत गंभीर हो गई। जिला कारागार अस्पताल में मुकेश को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद के थाना पचोखरा क्षेत्र के ग्राम पोवाहार निवासी 28 वर्षीय मुकेश कुमार ने गांव की ही एक नाबालिग किशोरी के साथ 2014 में दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय फिरोजाबाद में पेश किया था, जहां से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। प्रशासनिक तौर से 2015 में फिरोजाबाद जिला कारागार से जनपद मैनपुरी में कैदी को लाया गया था। बताया जाता है कि दुष्कर्म के आरोपी को मिर्गी का दौरा पड़ता था। 17 सितंबर की मध्य रात्रि के दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने से उसकी हालत बिगड़ गई, जहां से उसे जिला कारागार में उपचार के लिए भेजा गया। हालात में सुधार न आने पर उसे जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। एक हमारे यहाँ जिला कारागार फिरोजाबाद से प्रशासनिक अदालत में 2015 में मुकेश सना मुसंदी निवासी पवारा थाना पचोखरा फिरोजाबाद का आजीवन कारावास की सजा थी। इसको रेप के मामले में वो यहाँ पे मुकदमा हुआ था। ये पुराना मुर्गी आने का इसको शिकायत थी। इसको अक्सर मुर्गी का दौरा आ जाता था और इलाज उसका जिला चिकित्सालय से चल रहा था। यहाँ पे भी इसको उपचार दिया जा रहा था जी। आज सुबह इसको मुर्गी का दौरा आया तो डॉक्टर ने उपचार किया, उसी से उपचार भी तो रेफर कर दिया जिला चिकित्सालय मैनपुरी, जहाँ पे उसकी।